देख सकते हैं लवारिस पशु भी कहीं ना कहीं शाम के समय अपना सैर सपाटा करते हुए दिख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। आज हमारी टीम हिसार के आधार हॉस्पिटल मेन हाईवे पर मौजूद है, जहां पर एक तरफ आप लोग देख सकते हैं आजाद नगर की नहर यहां पर लगती है। ठीक सामने एक बार आदि भाई को कहूँगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। आदि भाई बिल्कुल सामने देख सकते हैं, और ठीक हम हाईवे पर रोड पर फिलहाल मौजूद है। देख सकते हैं जो कैटल फ्री हिसार का दावा था प्रशासन का, देख सकते हैं सड़क के बीच में अभी अभी एक गाय जाती हुई दिख रही है, और कोई भी गाड़ी या कोई बाइक इस गाय की चपेट में आने से दुर्घटना का शिकार हो सकता है। कहीं ना कहीं इस जानवर की भी जान खतरे में है, और जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जान खतरे में बिल्कुल बनी रहती है। कैटल फ्री हिसार के जितने भी दावे थे वो सभी के सभी खोखले नजर आते हुए दिख रही है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस टाइम आप आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से। फिलहाल इसके थोड़ा सा आगे निकलते ही आधार हॉस्पिटल पड़ता है, बिल्कुल नहर के हम पास वाली सड़क पर मौजूद है। ये सड़क बिल्कुल सामने की तरफ जाते हुए आजाद नगर की तरफ निकलती है, और सफाई की बात मैं जो करता हूँ, ग्रीन बेल्ट की प्रशासन दावा करता था कि नहर के साथ में एक सड़क बनाई जाएगी छोटी सी साइकिल वालों के लिए, खास तौर पर बढ़िया सुविधा और ग्रीन हिसार, ब्यूटीफुल हिसार, और साथ ही साथ स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जो चला था उसके चलते हुए आप देख सकते हैं सड़क के साइड में किस प्रकार की गंदगी है। कहीं ना कहीं ये लोगों की भी कमी है जो यहाँ पर गंद फेंक कर चले जाते हैं। जी हाँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे पहले हम हमारे चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि जो आप गंद यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं उसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और देख सकते हैं कितनी पहाड़ियाँ बनी हुई है, अगर मैं बात करता हूँ गंद की ढेरियाँ बनी हुई है, देखने में ऐसे लग रहा है कि कोई पहाड़ी इलाके में आ चुके हों। फिलहाल हम पर जो प्रशासन दावा करता रहा ग्रीन बेल्ट का, वो ग्रीन बेल्ट देख सकते हैं किस प्रकार हालात में पड़ी हुई है। नहर के साइडों की भी मैं बात करता हूँ तो भी खस्ता हालत है, और शहर अगर सड़क की साइडों की मैं बात करता हूँ अगर देख सकते हैं साइडों में किस प्रकार से गंदगी के अंबार और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ जो प्रशासन का दावा था साफ स्वच्छ अभियान, उसके चलते हुए प्रशासन की भी कमी, और साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं या कुछ लोग जो यहाँ पर आके गंद फेंक जाते हैं, सबसे बड़ी कमी उनकी ही दिखती है। क्योंकि आप जब आप खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक शहर की सफाई जनाब किसी भी हालातों में नहीं हो सकती, चाहे आप नगर निगम को 24 घंटे क्यों ना लगा दें। जी हाँ, 24 घंटे की अगर ड्यूटी लगा दें तो भी शहर की गंदगी नहीं पार जा सकती, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे सफाई के प्रति। और साथ ही देख सकते हैं फिलहाल सड़कों के बीच में गायें देख सकते हैं किस प्रकार जाती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना कभी भी किसी वक्त हो सकती है, जानवर की भी जान खतरे में, और जो यहाँ से गाड़ियाँ और बाइक वगैरह पर अपने साधनों से यहाँ से गुजरते हैं कहीं ना कहीं वो भी अपनी जान हथेली पर लेकर निकलते हैं, क्योंकि कोई भी गायें लवारिस पशु अचानक सामने आ जाते हैं तो कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और जो मैं मुद्दा आपको बता ही रहा था ग्रीन बेल्ट को लेकर, देख सकते हैं किस प्रकार साइडों की गंदगी है, प्रशासन कब इसकी सुध लेगा और कब तक इसकी साफ सफाई करेंगे, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर गंद मलबा फेंकते हैं उन लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, अब देखना है। सबसे बड़ा ये रहेगा कि ये कैसे होगा। मैं आपको रोड के आगे की तरफ भी एक ले जाकर दिखाऊंगा। आदि भाई को मुझे फ़ोन दिखा दे एक बार। मैं फिलहाल आपको आगे की तरफ भी एक लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा किस प्रकार गंदगी के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं लोगों की भी सबसे बड़ी गलती है, लोग अपना जो गंदगी है उसे फेंक कर चले जाते हैं, उसके बाद लवारिस पशु जितने भी हैं ये पोलोथीन वगैरह जितने भी गंद यहाँ पर पड़ा है उन्हें खाने से बीमार हो जाते हैं, और काफ़ी मैं बात करता हूँ किसी भी जानवर की जान मान का खतरा भी कभी भी हो सकता है। फिलहाल देख सकते हैं बिल्कुल सड़क के बीचों बीच गायें जाती हुई आपको दिख रही थी वीडियो के माध्यम से, और लोगों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर मैं बात करता हूँ कैटल फ्री हिसार के जितने भी दावे हैं सभी के सभी खोखले नजर आते बिल्कुल दिखते ही हैं जनाब। कहीं ना कहीं प्रशासन एक तरफ नगर निगम प्रशासन दावा करता है कि जितने भी लावारिस पशु हैं उन्हें पकड़ कर गौशाला में भेज दिया जाता है, उसके बावजूद गौशाला के भेजने के बाद भी लवारिस पशु कैसे बाहर आ जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल। जनता जनार्दन से मैं अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिलहाल मैं आपको आगे की भी एक बार लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा पूरी की पूरी रोड की कि किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर लोगों को आती है। प्रशासन का दावा था ग्रीन बेल्ट बना के देंगे, तरफ प्रशासन दावा करता था कि ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, उसके बाद साइकिल वाले अगर खास तौर पर मैं बात करता हूँ बिल्कुल निश्चिंत होकर
हाईवे से अपना सफ़र करा करेंगे, सुबह की मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक अगर मैं कह लेता हूँ शाम के समय, वो करते हुए लोग नज़ारा लेंगे शहर का और ग्रीनरी देखेंगे शहर की, ब्यूटीफुल शहर हरियाणा। अगर मैं बात करता हूँ हिसार किस प्रकार डिवेल्प होता दिख रहा है, पर दूसरी तरफ जब सच्चाई अगर देखना चाहते हैं, सच्चाई जब आपको दिखती है, हकीकत देख सकते हैं किस प्रकार गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, देख सकते हैं लावारिस पशु भी कहीं ना कहीं शाम के समय अपना सैर सपाटा करते हुए दिख रहे हैं, देख सकते हैं भाई कहाँ घूमने चले। सबसे बड़ा सवाल इनके लिए भी हो जाता है कि कहीं शॉपिंग वगैरह तो करने नहीं जा रहे, या कोई अपना खाना पीना खाकर खाना पचाने के लिए शाम के समय अपना सैर करते हुए नजर आ रहे, देख सकते हैं। गाड़ी वालों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कहीं ना कहीं, सबसे बड़ा सवाल। साइडों की अगर मैं बात करता हूँ, देख सकते हैं गंदगी के खास तौर पर किस प्रकार ढेर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस पर गौर करना चाहिए, इसकी सफाई करवानी चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा सफाई अभियान को लेकर। फिलहाल आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस के माध्यम से लाइव तस्वीरें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है। हमारा उद्देश्य आपको यही बताना था कि आप शहर को देख सकते हैं किस हालातों में, शहर की स्थिति अगर मैं बात करता हूँ जहाँ पर कोई नहीं होता, लोग वहीं पर अकेलापन देखकर, जगह का अगर मैं बात करता हूँ सुनसान देखकर, वहाँ पर कूड़ा कचरा मचा जाते हैं। साथ ही साथ कई लोगों के घरों का अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, वो अपना वेस्ट मलबा यहाँ पर डंप कर चले जाते हैं और उसके कारण देख सकते हैं काफ़ी समस्याओं का सामना कहीं ना कहीं लोगों को अवश्य करना पड़ता है। अगर डंडूर के पास डंपिंग यार्ड की मैं बात करता हूँ, वहाँ पर कचरे के लिए डंपिंग यार्ड बनाया गया है प्रशासन की तरफ से, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर गंदगी, जितनी भी शहर की गंदगी की मैं बात करता हूँ, वहाँ पर डंप की जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का लाइव दृश्य आप लोग देख रहे हैं, हिसार शहर का माहौल देख सकते हैं। अब करे तो करे क्या, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जब सवालों में खड़ा किया जाता है तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बिल्कुल सही नज़र आता है, क्योंकि लोग जब ऐसा कार्य खुद करेंगे, खुद ही गंदगी मचाएंगे तो कैसे पार पड़ेगी शहर की। शहर को ब्यूटीफुल बनाना है, अच्छा सौंदर्य शहर का वातावरण अच्छा हो। फिलहाल जैसा कि आप लोगों को हमने पूरी सड़क का जायजा कर दिखाया, यहाँ कर हमने आपको पूरा दृश्य दिखाया, साइडों के साइड में सड़क की साइड में बात करता हूँ किस प्रकार की गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को भी कोई एक्शन लेना चाहिए इस गंदगी के चलते हुए। देख सकते हैं नारियल पानी बात करता हूँ, लोग पी तो जाते हैं और जितने भी नारियल पानी बेचने वाले हैं, हम उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं छोटा सा हमारे चैनल के माध्यम से। आप नारियल पानी बेचते हैं जगह जगह पर ठेला लगाकर, रेली लगाकर, उसके बाद जितने भी खाली नारियल है आप उसे कट्टे में भरे और किसी कूड़ेदान में इस नारियल के वेस्ट, अगर मैं बात करता हूँ नारियल पानी के जो खोल होते हैं उन्हें फेंक कर आए, सड़क के साइड में फेंक देते हैं, जिस कारण काफ़ी गंदगी हो जाती है, लोगों को भी काफ़ी, अगर मैं बात करता हूँ काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चाहे लोग यहाँ से बेशक गुजरते नहीं, पर गंदगी शहर का जो माहौल है उस पर काफ़ी असर डालती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी खबरों के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, आप देखते रहें RSN एक्सप्रेस के साथ बने रहे, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हिसार शहर की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उनका दिल से धन्यवाद, उन्हें सल्यूट करता हूं। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, खबरें आपके तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।